हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। अभी मैं एलोरा केव देखने के लिए आया हूं, जो कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर ज़िले में है। संभाजीनगर का पुराना नाम औरंगाबाद हुआ करता था, लेकिन अभी इसे संभाजीनगर कहा जाता है। तो ये संभाजीनगर ज़िले में है और शिरडी से 110 किलोमीटर है। मैं शिरडी से यहाँ आया हूँ और मैं बाय कार आया हूँ। शिरडी से मैंने टैक्सी हायर की है, 3500 रुपये टैक्सी का रेंट लगा है, जो पूरे दिन मुझे इस एरिया में घुमाएगी और शाम को फिर हम शिरडी पहुँचेंगे। यहाँ पर पीछे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम एलोरा केव्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एलोरा केव्स और कृष्णेश्वर मंदिर बिल्कुल पास पास में है। तो ये कृष्णेश्वर मंदिर का पार्किंग है और 50 रुपया फोर व्हीलर का चार्ज है पार्किंग का, और सामने मंदिर है, तो चलते हैं। तो ये कृष्णेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और अंदर की तरफ मंदिर है, और मंदिर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसके लिए विशेष परमिशन की ज़रूरत होती है। तो मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया हूँ और मैं आपको अंदर से नहीं बता पाया क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। मैंने काफ़ी ट्राई किया परमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि ये मंदिर कमेटी के हाथ में नहीं है परमिशन, अगर आपको अंदर वीडियो शूट करना है तो ASI डिपार्टमेंट से परमिशन लाना होगा। तो उसके लिए मुझे फिर से बाहर आके ASI के ऑफिस जाके वहाँ से परमिशन लाना होता है, पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। तो इसीलिए फिर मैं अंदर दर्शन करने चला गया। मैं यहाँ से 500 मीटर आगे जा रहा हूँ और वहाँ पर एलोरा केव्स है, तो वहाँ पर ASI का ऑफिस है, वहाँ पर पता करते हैं। अगर परमिशन मिला तो हम फिर से यहाँ आएंगे और फिर मैं आपको मंदिर अंदर से अच्छे से बताऊँगा। तो हम लोग यहाँ से आए हैं कृष्णेश्वर मंदिर से 500 मीटर आगे, और ये यहाँ पर सारा स्टॉल वगैरह है, और ये है सामने एलोरा केव्स का मेन गेट। तो पीछे ASI का ऑफिस है, यहाँ पर मैं गया था कृष्णेश्वर मंदिर में परमिशन के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि ये परमिशन यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको संभाजीनगर जाना होगा, वहाँ से लानी पड़ेगी परमिशन। तो काफ़ी दूर हो जाएगा, यहाँ से 30 किलोमीटर है संभाजीनगर। तो इसीलिए मैं फिर से मंदिर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अब हम सीधा अंदर चलेंगे एलोरा केव्स के लिए। अंदर किसी भी तरह का फूड नहीं मिलता है और पानी भी नहीं मिलता है, तो आप अगर अंदर जाते हो तो पानी की बोतल लेके जाना साथ में, और कुछ खाने पीने का भी लेके जाना अंदर, क्योंकि 3-1 घंटे का समय लगता है अंदर पूरा घूमने में। तो सामने टिकट काउंटर है और फिर टिकट लेकर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सामने एंट्रेंस है केव का, 40 रुपये पर पर्सन का टिकट है एंट्री टिकट, और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। तो सामने टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है। ये जो टोकन है ये हमें आगे एंट्रेंस पर देना है, फिर वहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। और ये जो आपको पेपर दिख रहा है ये वीडियो शूटिंग के लिए है, 25 रुपये का ये टिकट है। ये टोकन हमें लास्ट तक रखना होता है, जब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे केव्स देखने के बाद, तब ये टोकन फिर से हमें दिखाना होगा। यहाँ पर टोटल 34 केव्स है, जिसमें 1 से 12 नंबर तक की बौद्ध गुफाएं हैं, उसके बाद 13 से 29 नंबर की हिंदू गुफाएं हैं, और उसके बाद 30 से 34 की जो 5 गुफाएं हैं वो जैन हैं। तो हम लोग सारी केव्स नहीं देखेंगे, जो मेन है वो देखेंगे, क्योंकि सभी एक जैसा लगेगा, तो जिसमें वेरिएशन है और जो मेन है वो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर स्कूल से काफ़ी बच्चे आते हैं, क्योंकि 15 साल से नीचे का टिकट फ्री है। तो वहाँ से केव स्टार्ट होती है, सामने वहाँ 1 नंबर की केव है, और उसके बाद में 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए यहाँ तक ये 10 नंबर की केव है। तो हम यहाँ पर चलेंगे 10 नंबर की केव में, ये मेन केव है। तो 10 नंबर गुफा में मैं अंदर आया हूँ, और यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और काफ़ी ऊंची सी मूर्ति है। मूर्ति के दोनों तरफ पद्म पाणी और वज्र पाणी है, और ऊपर की तरफ में सारी अप्सराएं बताई हुई है जो गौतम बुद्ध पर फूल बरसा रही है। और ये जो मूर्ति है इसके पीछे की तरफ सांची का स्तूप बना हुआ है, और ऊपर की तरफ में ये जो आप देख रहे हो डिज़ाइन, ज़्यादातर सभी केव में लकड़ी की होती है, लेकिन यहाँ पर ये स्टोन से बनी हुई है। बाकी ये जो आप सारी मूर्तियाँ देख रहे हो ये भगवान बुद्ध की है, और अलग अलग मुद्राएँ दर्शाई हुई है इसमें। तो और यहाँ पर ये जो पिलर आप देख रहे हो ये कुल मिलाकर 30 पिलर है इसके अंदर गुफा में। ऐसे वहाँ पर एक विंडो दिख रही होगी, अभी तो वहाँ से अंधेरा है, लेकिन बताते हैं कि मार्च महीने में वहाँ से सनलाइट आती है जो कि सीधी इस मूर्ति के ऊपर गिरती है।
तो साल में सिर्फ एक ही बार होता है ऐसा। यहाँ पर कैसी आवाज़ गूंजती है जब कोई बोलते हैं, देखो आप। बोधम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये जो 10 नंबर की केव हमने अंदर से देखी, ये सम्राट अशोक ने बनाई थी उस समय में, 7वीं शताब्दी की ये केव ऐसा बताते हैं। तो ये है केव नंबर 12, गुफा नंबर 12। तो ये 3 मंजिला है। तीन तल नाम से प्रसिद्ध इस बौद्ध विहार का निर्माण संभवतः 8वीं शताब्दी में हुआ। बाह्य रूप से साधारण तथा भव्य दिखने वाली संरचना, अंदर से विशाल तथा राजसी बौद्ध धर्मीय मूर्तियों से युक्त है। यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है अंदर। तो अभी हम आ गए हैं गुफा के सबसे ऊपरी भाग पर। ये 3री मंजिल है गुफा की। हम वहाँ से आए थे, मेन जो गेट बना हुआ है, और ये पूरा नीचे का भाग है। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पर आ गए हैं, और यहाँ से अभी हम इस तरफ चलेंगे। सामने है 16 नंबर की केव, जिसे कैलाश टेंपल कहते हैं, और ये हिंदू केव है। तो ये है 16 नंबर की केव, कैलाश टेंपल। ये एलोरा केव की सबसे मेन केव है। कैलाशनाथ मंदिर एकात्मक संरचना है, जिसका विन्यास विशाल है। पर्वत को ऊपर से नीचे काट कर तथा बाहर से अंदर गढ़कर मंदिर के रूप में ढाला गया है। जन मान्यता अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। यह भव्य वास्तु के आलेखन का श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग 735 से 757 और निर्माण का श्रेय कृष्ण प्रथम 757 से 773 को जाता है। तो ये सारी जानकारी लिखी हुई है, अगर आपको पढ़ना है तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना। तो अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ 16 नंबर की केव को ऊपर से देखने के लिए। तो मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, और यहाँ से क्या नज़ारा देखो आप, क्या सुंदर रचना है, बहुत ही शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय। मेरी आँखों से किसी इंसान द्वारा बनाई गई ऐसी रचना मैं पहली बार देख रहा हूँ, और बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ मैं ये देखकर। ये केवल हमारे भारतवर्ष में ही हो सकता है, और ये भी पहले होता था, अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ ये मंदिर बनाया हुआ है, पूरा खोद के चारों तरफ से, और उसके बाद में मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो हाइट है वो 90 फीट है, नीचे से लगा के ऊपर तक। इस मंदिर का जो आकार है वो रथ के आकार का है। ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें ये रथ के जैसा दिखता है पूरा, और ये एक ही स्टोन में से बना हुआ है पूरा मंदिर जितना आपको दिख रहा है। तो मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ, अंदर चलते हैं यहाँ पर 16 नंबर की केव में, जिसका ऊपर से नज़ारा हमने देखा। तो मैं केव के अंदर आया हूँ, और दाहिनी तरफ यहाँ पर माता दुर्गा की मूर्ति है ये, सामने यहाँ पर बाईं तरफ गणपति भगवान है, गणेश जी की मूर्ति है, और सामने माँ लक्ष्मी है, और हाथी इनका अभिषेक कर रहे हैं। 16 नंबर की जो केव है वो हिंदू केव है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ है, काफ़ी सारी अलग अलग, और ये एक हाथी है, अभी इसका आगे का भाग नहीं है। ये जो आप स्तंभ देख रहे हो ये विजय स्तंभ है, और इसके पीछे यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है। तो मंदिर में हम बाद में जाएंगे, पहले हम बार बार घूमेंगे। आगे जो आपको अंदर मूर्ति दिख रही है वो गंगा यमुना और सरस्वती की है। तो ये मंदिर की मेन एंट्री है, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो मूर्तियाँ, तो ये महाभारत के सारे दृश्य बताए हुए हैं मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर। तो ये कैलाश टेंपल है, और अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए हैं उसके साइड में। तो शिव पुराण से जुड़ी जो भी कथा है, बातें हैं, वो यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से बताई गई है।
ये कैलाश मंदिर के पीछे का भाग है, आप देखो सारे हाथी बने हुए नीचे की तरफ, और अभी काफ़ी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है, लेकिन सारे हाथियों के ऊपर ये कैलाश मंदिर बनाया हुआ है। उस तरफ में आगे वहाँ पर शिव पुराण की सारी मूर्तियाँ थी, और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी मूर्तियाँ है, और यहाँ से विष्णु पुराण शुरू होता है। विष्णु पुराण को मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो हम लोग वहाँ ऊपर थे, वहाँ से इस तरह से घूमते हुए हम नीचे आ गए हैं। तो पीछे से घूमते हुए हम साइड पर आए हैं मंदिर के, और मंदिर के इस तरफ में ये रामायण है। मैंने आपको उस तरफ में महाभारत बताया था, यहाँ पर ये रामायण बताया गया है मूर्ति के माध्यम से। मंदिर के उस तरफ में एक स्तंभ था, मैंने आपको बताया था, वो विजय स्तंभ था। यहाँ पर ये कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, ये प्रथम मंजिल है मंदिर की, और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। सामने मंदिर है पीछे की तरफ, तो ये मेन टेंपल है, अंदर चलते हैं। तो हम अंदर आ गए हैं, ये मुख्य मंदिर का गर्भगृह है, और यहाँ पर ये बड़ा सा शिवलिंग है। ये अंदर में शिवलिंग है, ये शिव के कारण नाम दिया गया कैलाश टेम्पल। कोई भी इंसान मंदिर में जाने के पहले, आदमी पवित्र है, अपवित्र है, वाशिन वाशिन हुआ, क्लीन नहीं हुआ, तो कलाकारों ने गंगा और जमुना दो रिवर दिखाए। माँ गंगा ये मगर के ऊपर है, अच्छा, जो श्रद्धा का प्रतीक होता है। माँ जमुना एक कछुए के ऊपर है, भक्ति का प्रतीक होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ हम लोग पवित्र होकर कैलाश में जाते हैं। अंदर जाने वाला इंसान भूल गया भगवान को फूल लाना, जरूरत रखा नहीं, ऑलरेडी कमल का फूल समर्पित किया है सीलिंग में। सीलिंग में ऊपर देखो, सीलिंग में सेंटर में अन्नपूर्णा देवी है, इस साइड में ब्रह्मा, इस साइड विष्णु, बाजू में गंधर्व अप्सरा है। ब्रह्मा के हाथ में जन्म देना होता है, विष्णु के हाथ में पालन पोषण होता है, अन्नपूर्णा के हाथ में अन्न देना, और भगवान शिव के हाथ में मारना बचाना होता है। ये फोर गॉड के कार्य दिखाए। ये शिव पार्वती पूरा फैमिली नंदी के ऊपर बैठा है। पार्वती का बैठने का स्टाइल देखो, एक पैर नीचे रखा है, एक पैर मोड़ के रखा है, झाड़ू का पत्तों का बेडशीट बनाए, स्मॉल बेबी कार्तिक बैठे गोद में। जब बच्चा छोटा होता है तो उंगली से दिखा रहा, देखो मेरे पिताजी शिव भगवान है। शिव और पार्वती का डाइस गेम है, गेम बोर्ड है, ऊपर दिख रहा है गेम बोर्ड। सारी पाठ खेलते समय शिव हार जाता है, पार्वती जीतता है। ये बच्चे लोग, पार्वती के दोस्त लोग नंदी का मजाक कर रहा है, कोई धूम काट रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, नंदी गुस्से से देख रहा है। जीतने वाले को जमाने कोई पैसा ट्रॉफी नहीं मिलता था, जीतने वाले को नारियल दिया जाता था। दिख रहा है ये बच्चे लोग स्माइल कर रहे हैं जी, नंदी गुस्से से देख रहा है क्योंकि शिव हार गए। 1300 साल पुराना पेंटिंग है जी। ये फोर पैनल है देखो, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर। ये फोर पैनल में से वन और टू में देख रहे हैं, एक लेडी और जेंट्स नाच रहे, बहुत सुंदर ऐसा रिंग्स पहना है कानों में ब्लैक। देखो थर्ड पैनल देखो, एक लेडीज नाच रही शॉर्ट ड्रेस से, देखो मिनी स्कर्ट, गले में नेकलेस, कानों में कुंडल, आइब्रो किया है। अभी हम बोलते मॉडर्न रहते, 1300 साल पुराने लोग मॉडर्न थे, इससे देख के पता चलता है। ये वेजिटेबल कलर से, झाड़ों से, पत्तों से, बीज से, फ्लावर से बनाए, इसीलिए आज तक ये पेंट बचे, दूसरा कोई कलर रहता था अभी तक निकल जाता था। पुराने लोग कितना सुंदर हेयर स्टाइल रहते थे। ये देखो, ये समुद्र मंथन है, एक तरफ भगवान होते, एक तरफ राक्षस लोग होते। नेहरू पर्वत की रेह बनाए, वासु के नाम की दूरी है, दूध के सागर में लाए, उसमें से जो पॉइजन निकला भगवान शिव पिया, नीलकंठेश्वर नाम हुआ। ये शिव नाच रहे, पार्वती को शिकार रहे, आता नहीं तो कान पकड़ लिया, गुस्सा है तो नोज टेढ़ा कर दिए। शिव का चेहरा देखो, अभी आपकी तरफ दिख रहा है ना, इसको कोई भी लुक में देखे आपको देखेंगे, 3D में ऐसे देखते देखते जाओ, वो आप ही को देख रहे। आ जाओ पीछे, ये 3D डायमेंशन है। छत के ऊपर काम करना आसान नहीं है, बहुत से लोगों की आँखें होंगी। आज हम पिक्चर देख रहे हो, अगर लगा रहे अभी 3D। इसी का रिपीटेशन शिव तांडव पेंटिंग में बनाए, थर्ड अपन किया भगवान शिव ने। हम लोग गणेश जी देखते एनी टाइम लेफ्ट रंग में मिलते, ये राइट वाले जो बॉम्बे में, इसको बोलते सिद्धि विनायक गणेश। ये राम लक्ष्मण झोपड़ी देखो, कितना सुंदर झोपड़ी बनाए। ये मंदिर को 16 नंबर क्यों बोलते हैं, 16 कॉलम है देखो, इस साइड में 4, इस साइड में 4, इस साइड में 4, उस साइड में 4, 16 कला, ये संपूर्ण कला होती है, 16 आने सच होती है, 100% श्योर होते, इसलिए 16 नंबर है। और कैलाश क्यों बोलते हैं, अंदर में शिवलिंग है, इसलिए इसको बोलते हैं 16 नंबर कैलाश। तो अच्छे से हमने ये कैलाश टेंपल देखा, और काफ़ी आकर्षक और काफ़ी सुंदर है ये। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरी केव के लिए।
तो अभी हम इस ई कार से आगे की तरफ जाएंगे। तो ई कार का मैंने टिकट ले लिया जो कि 30 रुपीज़ का है। यहाँ से हमें पहले 32 नंबर की केव में ले जाएंगे और वहाँ से फिर हम 29 की केव देखेंगे इसी ई कार से, और वो जब देख लेंगे उसके बाद फिर यहीं पर हमें छोड़ दिया जाएगा। तो 30 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ से करीब 2-4 किलोमीटर हो जाता है आना जाना। तो 5 मिनट का समय लगा हमें ई कार से यहाँ पहुँचने में, और 2 किलोमीटर का है ये मैंने आपको बताया डिस्टेंस। यहाँ पर जैन केव्स है जो कि 32, 33, 34 नंबर की है। ये 32 नंबर की केव है, यहाँ से हमें एंट्री करनी है, उसके बाद हम अंदर अंदर होते हुए 33 और 34 नंबर की केव से बाहर आएंगे। दिगंबर पंत को समर्पित यह द्विमंजिला संरचना 10वीं-11वीं शताब्दी में निर्मित है। तो ये सारी जानकारी लिखी हुई है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना। तो मैं 32 नंबर केव के अंदर में आया हूँ। जैसे ही अंदर आते हैं तो सामने ये मंदिर है, और ये मंदिर पूरा एक स्टोन से बना हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर ये हाथी बना हुआ है जो कि वेलकम के लिए है, और ये भी एक स्टोन से बना हुआ है। और मंदिर के पास में आप ये देखोगे इसे मान स्तंभ कहते हैं, और ये भी पूरा एक स्टोन से बना हुआ है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो भगवान महावीर स्वामी की है, और ये मूर्ति चारों दिशाओं में है, चारों तरफ में है, क्योंकि बताते हैं कि भगवान किसी की तरफ पीठ नहीं करते थे, इसीलिए इसको चारों दिशाओं में बनाया हुआ है। तो मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ, और ये जो जगह है इसे इंद्र सभा कहा जाता है। आप देखो काफ़ी बड़ा सा ये भी हॉल जैसा है, और सामने भगवान की मूर्ति है, मंदिर है, और काफ़ी सुंदर जगह है ये भी, काफ़ी अच्छी कलाकृति है यहाँ पर भी। और ये जो मूर्ति है ये इंद्र भगवान की है, इंद्र भगवान ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर बरगद का पेड़ बताया हुआ है। इंद्र भगवान की मूर्ति के सामने यहाँ पर ये इंद्रायणी की मूर्ति है देवी की, और ये शेर के ऊपर बैठी हुई है, और इनके ऊपर मैंगो का ट्री है, मैंगो भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आप कितना सुंदर पिलर है ये, इसी तरह के काफ़ी सारे पिलर हैं यहाँ पर। ये वाला पिलर और ये वाला पिलर सिमिलर है, तो इसे अष्टकोण पिलर कहते हैं। वैसे 4 कोने होते हैं हर पिलर के, इसके अष्टकोण कहा जाता है। तो इसमें ये एक कहलाता है पार्ट, और एक पार्ट अंदर का कहलाता है, तो ये 2 हो गया, तो ऐसा चारों दिशाओं में है, तो इसीलिए इसे अष्टकोण पिलर कहते हैं। बाकी इसके अलावा जो अंदर वाले पिलर है इसे कलश पिलर कहते हैं। आप देखो सारे पिलर के ऊपर कलश रखे हुए हैं। सामने भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है, और ये जो आप बीच में जगह देख रहे हो चबूतरा सा है, यहाँ पर पहले भगवान महावीर स्वामी की चारों दिशाओं वाली मूर्ति थी जो मैंने आपको पहले बताई थी उस तरह की, और उसके ऊपर देखो आप कमल का फूल बना हुआ है। तो ये मेन टेम्पल है, और अंदर भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। मंदिर के पास में यहाँ पर ये बाहुबली गोमटेश्वर की मूर्ति है, जैनों के जो पहले तीर्थंकर थे उनके चिरंजीवी कहलाते हैं, और इन्हें बाहुबली गोमटेश्वर कहा जाता है। ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, और इनके ऊपर में नागराज है, बाकी ऊपर अप्सराएं बताई हुई है। तो अभी हम केव नंबर 33 में आ गए हैं, और ये जगन्नाथ सभा है, इस जगह को जगन्नाथ सभा कहा जाता है, और सामने यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का मंदिर है। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग बनी है ऊपर, देखो आप, तो ये केश लोचन बताया हुआ है, जो जैन धर्म होता है उनमें जो मुनि होते हैं जो दीक्षा लेते हैं तब उनके बाल निकाले जाते हैं, तो उसे केश लोचन कहा जाता है। तो अभी हम आ गए हैं 29 नंबर की केव पर, और ये हिंदू केव है, और यहाँ पर केव की जानकारी लिखी हुई है। दुमार लेना नाम से प्रसिद्ध यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है। दीवार पर उत्कीर्ण यमुना की प्रतिमा को ब्राह्म कथावश सीता के नाम से पहचानने के कारण इसे सीता की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तो अंदर चलते हैं। ये एक शिव मंदिर है, और यहाँ पर ये जो आप मूर्ति देख रहे हो बड़ी सी, ये शिव जी का रुद्रावतार बताया हुआ है। और इसके इस तरफ में आप देखोगे तो ये शिव परिवार है जिसे रावण ने उठाया हुआ है। तो रावण ने जब कैलाश उठाया था तब शिव परिवार को समेत उठाया था, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है मूर्ति के माध्यम से। तो सामने मुख्य टेंपल है भगवान शिव का। मंदिर के इस तरफ और इस तरफ आप देखो चारों तरफ मूर्तियाँ बनी हुई है इस तरह की, ये द्वारपाल है सारे। तो ये भगवान शिव का शिवलिंग है बड़ा सा, आप देखो मंदिर के अंदर, और ऊपर में कुछ दिख नहीं रहा है, काफ़ी अंधेरा है, और अंदर चमगादड़ भी है काफ़ी सारी। यहाँ देखो आप कितनी सारी चमगादड़ है। तो ये द्वारपाल है मैंने आपको बताया, पीछे सारे मंदिर के चारों तरफ में है।
ये देखो आप, ये जो मूर्ति है ये शिव विवाह को दर्शाती है, और इसी तरह की मूर्ति यहाँ पर पीछे भी है। बाकी यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखता है, देखो आप, आगे सारी दूसरी केव है, और यहाँ पर वाटरफॉल आता है जब मॉनसून का सीज़न होता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा ही पानी है। तो ये 29 नंबर की केव हमने देखी, और ये भी काफ़ी सुंदर केव थी, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी यहाँ पर। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ जाएंगे, करीब करीब हमें यहाँ पर 4 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे से ज़्यादा ही हो गया समय, तो काफ़ी समय लगता है यहाँ पर। तो एलोरा केव से करीब मैं 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ आया हूँ चढ़ाई करके, और यहाँ पर ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, इसे भद्रा मारुति मंदिर कहते हैं। भद्रा मारुति संस्थान खुलताबाद में है ये। हम पीछे की तरफ से आए, बाकी कुछ टूरिस्ट यहाँ से भी आते हैं, और यहाँ पर सारी ये प्रसाद की और ये दुकानें हैं, और मंदिर इस तरफ में है आगे। तो ये है भद्रा मारुति टेम्पल। तो ये भद्रा मारुति मंदिर है, और यहाँ की जो मूर्ति है हनुमान जी की, वो स्वयंभू मूर्ति है, और बताते हैं कि रामायण काल की मूर्ति है। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान है इस मंदिर में। तो ये हनुमान जी का मंदिर है भद्रा मारुति जो हमने देखा, और इसके सामने यहाँ पर ये शनि भगवान का मंदिर है। तो अभी मैं एलोरा से करीब 30 किलोमीटर आगे आया हूँ, और ये जगह है छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ पर ये है बीबी का मकबरा, जिसे कहते हैं मिनी ताजमहल। तो ये टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो इंडियन सिटीजन का 25 का टिकट है, और फॉरेनर का 300 का टिकट है ये, और 15 साल से नीचे के लिए फ्री है। तो यहाँ से मैंने टिकट ले लिया, यहाँ पर भी टोकन मिलता है। तो यहाँ पर कैमरे से शूट करना अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी करना, तो मैं मोबाइल से शूट करूँगा। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर आए हैं, और अंदर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम आगरा में ताजमहल में आए हैं, इसीलिए इसे मिनी ताज भी कहा जाता है। तो ये हूबहू ताजमहल की नकल है, इसीलिए इसे मिनी ताजमहल कहते हैं। और साइज़ में वैसे ये थोड़ा छोटा है, बीच का जो ये मेन जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये छोटा है, ताजमहल काफ़ी बड़ा है। बाकी इसे बनाया उसी की तरह है। बीबी का मकबरा 1678 में आजम शाह द्वारा बनाया गया था, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। आजम शाह ने ये अपनी माँ दिलरस बानो बेगम, जिनका दूसरा नाम था राबिया दुरानी, उनकी याद में बनाया था। तो मैं इन सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ, और ऊपर आने के बाद इस तरह से कुछ दिखता है, देखो आप। तो ये मेन एंट्रेंस है, ऊपर की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया, देखो आप। अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से है, और ये नीचे कब्र है। कब्र के चारों तरफ जो जाली है उस पर ध्यान दीजिए, ये पत्थरों से तराश के बनाई हुई है, कितनी बढ़िया डिज़ाइन है। तो ये जाली है देखो आप, और ये एक ही पत्थर में से बनाई हुई है पूरी। यहाँ पर ये मेन कब्र हमने देखी, और पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा व्यू आता है। यहाँ पर ये मॉस्क बनी हुई है, मस्जिद है ये, और इसकी जानकारी लिखी हुई है यहाँ पर। इस तरफ से हम आए हैं, और ये मस्जिद है, मैंने आपको बताया। इसके पास में ये मुख्य इमारत है जहाँ पर कब्र थी। पीछे भी वैसा ही दिखता है जैसा सामने से दिखता है, फ्रंट व्यू और बैक व्यू सेम ही है इसका। और ये मीनार भी चारों तरफ बनी हुई है, और कहते हैं कि ये चारों मीनार थोड़ी झुकी हुई है जैसा ताजमहल में है। और इसके पीछे यहाँ पर ये गार्डन बना हुआ है, और उस तरफ में भी कुछ छोटी इमारत बनी हुई है।
तो बीबी का मकबरा देखा हमने, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। हालांकि ताजमहल जैसा नहीं है लेकिन उसकी कॉपी की गई है और छोटा भी है, लेकिन दिखता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से बनाया है ये भी। अगर आप एलोरा आते हो तो बीबी का मकबरा देखने आप यहाँ पर आ सकते हो, संभाजी नगर। आज हमने जो भी देखा ये सब कुछ संभाजी नगर ज़िले में आता है और शिरडी से करीब 110 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप शिरडी से कैब बुक कर सकते हो ये सब कुछ देखने के लिए। 3500 का आपको चार्ज लगेगा कैब का, टैक्सी का, और पूरा दिन चाहिए इसके लिए। तो आप सुबह 7-8 बजे निकलोगे तो शाम को 7-8 बजे तक शिरडी पहुंच जाओगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो